ने हमें इंसान बनाया। क्या लिखा? रोटी के लिए हम रोते हैं, कपड़ों के लिए हम तरसते हैं। हाँ बहुत अच्छी। फिर बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाइया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ओ हिंदू है भाई भाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सब है भाई भाई, सब है भाई भाई, अरे ये दोनों चीज सब मिलकर हम साथ में खाते हैं, गुजरात के भावनगर शहर के जवाहर नगर का ये ईशा आज पेशे से गायक है। वो समझ गया है कि गायक यदि अनपढ़ हो तो अपने संगीत के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ईशा का परिवार राजस्थान से लगभग 30 वर्ष पहले भावनगर आया था और 2 वर्ष के संपूर्ण साक्षरता अभियान में भावनगर के जो 2 लाख अनपढ़ साक्षर हुए उनमें से एक ये 25 वर्षीय ईशा भी है। पहले मुझे नहीं तो पढ़ना आता था, नहीं लिखना आता था, क्या मैं समझता कि सब कुछ क्या है। फिर क्या मैं गाना बजाना सीख गया और मुझे सीखना होता है गाना बजाना, कुछ गजल है, नई गजल है, कुछ भजन है, कुछ कवाली है, वो मैं क्या सीखने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, क्या फिर को बोलने में गाने में मुसीबत पड़ रही थी मुझे, तो किस तरह से गाना गवा जाता है और किस तरह से बोला जाता है वो मुझे कुछ आता था नहीं। फिर मैंने कोशिश की दिल से कि इस दुनिया मुझे सीखने का है, पढ़ने का है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत गाना गाने का है, दुनिया वालों को दिखाने का है कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। इस तरह से मैंने फिर पढ़ने की कोशिश की। पहले मैं मतलब थोड़ा बहुत वो जान लिखता था मैं, वो मात्रा नहीं आ रही थी मेरे को कि की किस तरह से लिखा जाता है, का किस तरह से लिखा जाता है, वो मेरे को नहीं आ रहा था। फिर हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आते बड़े बहन हमारे जयंती का बहन, वो हमको अच्छी तरह से सिखाया। अच्छा अभी ऐसी बातें कि गाना मैं गाता हूँ और लिखता भी हूँ, और आप मुझे ऐसा दिल में हो रहा है कि एक गाना मुझे हिंदुस्तान पे लिखने का, कि वो गाना कभी हिंदुस्तान में आया नहीं, इस तरह से मेरे को दिमाग में बैठा कर वो गाना लिखने का। तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की चाहत, इस बेकरारी में आए। ईशा की तरह भावनगर जिले में कई लोग हैं जो तरह तरह के काम करते हैं, संघर्ष भरा जीवन जीते हैं, मुश्किल से 2 रोटी जुटा पाते हैं। इस प्रकार के कुछ लोग प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जुड़ गए जिनमें महिलाएं अधिक थीं। अधिकांश लोग स्वयं से भी अनुदेशकों से प्रभावित होकर पढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। सब्जी बेचने वाली भारती बेन को उनकी पड़ोसन और मित्र मधु बेन ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। भारती बेन शादी के बाद जब से सुभाष नगर में रहने आई तभी से मधु बेन को जानती थी। साक्षर होने के बाद भारती बेन की जिज्ञासा बढ़ी, वो बहुत कुछ जानना और सीखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू किया। मारा भाई से ने एनो एक्सीडेंट थई गयो तो पहला ही घरे थी पूछा वगर वयो गयो तो के हूं फरवा। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो घर से चला गया था, कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। तब मैंने अपने पति से कहा कि हमें अखबार खरीदना चाहिए, उससे हमें भाई का पता चलेगा और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जान पाएंगे। बता समाचार जानवा मळे छे अने बधु आपने दुनिया में शू थाय छे शू नहीं पण जानवा मळे छे। मधुबेन ने भारती बेन को पढ़ाई के अलावा सिलाई कढ़ाई के काम भी सिखाए ताकि आमदनी बढ़े। अब भारती बेन ने सोचा कि आसपास की सभी महिलाओं को पढ़ना चाहिए। मधुबेन आगर एने तो 30 बैरा होता पण मैं तो बधा ने भेगा करया ता दोस्तियो ने उमर। मधुबेन के केंद्र में 30 महिलाएं थी, लेकिन मैं तो दरवाजा खटखटाकर सभी महिलाओं को बुला लाई। इनमें अधेड़ थी, बुढ़िया थी, सभी थी। इस प्रकार भारती बेन ने साक्षरता के लाभ केवल अपने तक सीमित नहीं रखे, अपने पति मंजी भाई को भी प्रेरित किया। पहला ने मगज में नो आयो के मारे नथी सीखो। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन मैंने उनको समझाया कि पढ़ना लिखना और गिनती सीखने से लाभ होगा, तुम अपना हिसाब खुद रख पाओगे। फिर मैंने उनको 1 से 30 तारीख तक की डायरी बना दी, उसमें पहली तारीख को कितने हीरे बनाए, दूसरी को कितने बनाए, ये सब लिखा।
उसके साथ हर एक से कितने पैसे मिलेंगे वो भी लिखा और उनको समझाया कि सेठ के साथ हिसाब की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए तुम भी हिसाब रखो। तब वो मान गए। फिर तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाभी से सीखो, सास को भी दस्तखत करना सिखा दिया। जब पढ़ाई के बारे में जाना तो लगा कि इसमें फायदा है, इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले पढ़ना लिखना सीखा, फिर चिट्ठियां पढ़ने लगा, उसके बाद अखबार खरीदना शुरू किया। अब मैं नियमित रूप से अखबार में दुनिया की खबरें पढ़ता हूँ। भारती बेन ने अपना काम बढ़ाया, सब्जी की रेड़ी लगा ली। मंजी भाई मंडी से सामान लाकर लगा देते हैं और भारती बेन उसे बेचती हैं। सब्जियों का और अपने घर का भी हिसाब किताब वो ठीक से रखती हैं। शुरू में मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारी सास कोठियों में बर्तन मांजने जाती है, तुम भी जाओ। पर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी। उन्हें बात पसंद नहीं आई। फिर मैंने उनको समझाया कि रोज की 10 रुपए की बचत होगी तो महीने के 300 रुपए हो जाएंगे, जबकि बर्तन मांजने के 50 रुपए मिलते हैं और 2 कोठियों में मांजे तो महीने के 100 रुपए बनते हैं और ऊपर से थकान हो जाती है। साक्षर होने पर भारती बहन अपने और अपने परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गई और बच्चों की बेहतर देखभाल करने लगी। अनपढ़ थी तो नहाना धोना और सफाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बाजार की खुली गंदी चीजें खाने का मन करता था। पढ़ाई से जाना कि ऐसी चीजें खाने से बीमारी लग जाती है। पढ़ाई से मैं व्यवस्थित रहना सीखी हूँ। हमने बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था, इसके बारे में हम जानते ही नहीं थे। मेरे घर वाले का भी प्रमाण पत्र नहीं था, वो भी अभी अभी बनवाया। बच्चों को ऐसी वैसी चीजें खिलाने से हैजा हो जाता है, ये भी जाना। बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों से बचाव के टीके लगवाए। साक्षर होने के बाद मैंने बचत करना शुरू किया। इस किताब में हमेशा 10-10 रुपए जमा करती हूँ। ये तो दूसरी किताब है, पहली में 1500 रुपए जमा हो गए। मेरी बेटी बीमार होने पर मैंने वो पैसे निकाल लिए थे। मैंने ये भी सोचा कि कल को बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी करनी हो तो उतने पैसे तो अपने पास होते नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए बीमा भी करवाया है। अब साक्षर होने के बाद मुझे लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। भारती बेन अब अपने और अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती हैं। भावनगर से 20 किलोमीटर दूर एक शहर है घोघा। यहाँ विभिन्न जाति धर्म और व्यवसाय के लोग रहते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत घोघा में कई लोग साक्षर हो गए। तो हूँ पानी भरवा जाती थी ने त्यारे मैं रेली निकली जोई छोकराओ साठ सत्तानु बोलता बोलता अभण अन समान अभण। लड़के नारे लगा रहे थे कि अनपढ़ अंधे के समान, अनपढ़ अंधे के समान। इतने में मुझे गफार भाई मिले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें 35 साल तक की औरतें पढ़ने के लिए आ सकती है, आप आना चाहें तो जरूर आइए, मैं केंद्र चलाता हूँ। मैंने मेरी सास से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बोरीचा साहब ने आकर सास को समझाया, तब वो मान गई। फिर घंटे दो घंटे का समय मिलते ही मैं पढ़ने चली जाती थी। जयश्री बेन के पति दुर्लभ जी इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली का छुटपुट काम करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। दुर्लभ जी ने जयश्री बेन को केंद्र में जाने की सम्मति दी। मैंने इमने बात करी के आमनो आमने जे साक्षरता याले छे तू भणो मटे जाओ, तो मैं इने परवानगी आपी। मैंने कहा जाओ तो पढ़ो तो हमारे लिए अच्छा है, पढ़ाई तो काम आती है। पहले तो उसे कुछ आता ही नहीं था। दूसरे शहर जाना हो तो मैं जाकर उसे बस में बिठाता था। कौन सी बस में बैठना है, कहाँ उतरना है, सब बताना पड़ता था। बाजार जाना हो तब भी पूछती थी कि कितने पैसे का क्या लाना है। अब तो वो अपने आप हिसाब भी जोड़ लेती है। अब जयश्री बहन हर चीज की कीमत पूछकर ठीक से हिसाब कर लेती हैं। भण्या पछी तो पहला भण्या पहला तो आपने काई वस्तु लेवा जाता
તો એની અંદર ઈ લોકો આપણને આઠાના ચારાના રૂપિયો વધતો હોય પાછા નો આપે. पहले तो ये लोग चार आठ आने लौटाते ही नहीं थे, लेकिन अब साक्षर बनने के बाद 25 पैसे 50 पैसे रुपया जो भी बचा हो मैं ही मांग लेती हूँ. रेशन लेने जाऊँ या सब्जी लेने जाऊँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती. 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम सब कुछ समझ लेती हूँ. अब कोई धोखा नहीं दे सकता. ટિકિટ ના એ બધું ખબર પડે હવે. રૂપિયા પૈસા કિલોગ્રામ ગ્રામ એના બોર્ડ વાંચી લઉં બસ ના, કે આ બસ કઈ જગ્યાએ જાય છે. બસ મે ભી જાના હો તો બોર્ડ પઢ લેતી હું કે યે બસ કિસ ઓર જા રહી હૈ, સીધી ભાવનગર યા ભાવનગર સે સુરત, સુરત સે મહુવા. મે નિયમિત રૂપ સે અખબાર ભી પઢ લેતી હું. સરકાર ના તાજેતર ના નિર્ણય સાથે ના વિરોધ માં આગામી તારીખ 25મી પગલે ગુજરાત પોલીસે વધુમાં વધુ સશક્ત બનવા. પહેલે જબ અનપઢ થી તબ ડર લગતા થા કે કોઈ મેરે સાથ બેઈમાની કરેગા, મેરે સે પૈસે જ્યાદા લે લેગા, મુજે ધોકા દેગા, મેરે બચ્ચો કો ધોકા દેગા. લેકિન અબ તો મુજે કિસી તરહ કી પરેશાની નહીં હૈ. 500 ગ્રામ. जयश्री बहन और इनके पति नियमित रूप से घर का हिसाब लिखते हैं. इनके पड़ोसी और स्वयंसेवी अनुदेशक गफार भाई 19 साल के उत्साही विद्यार्थी हैं. उन्होंने एक हफ्ते की अनुदेशक की ट्रेनिंग ली थी. पहला साक्षरता अभियान का प्रचार मटे साक्षरता अभियान के प्रचार के चित्र दिखाकर मैंने अनपढ़ लोगों को समझाया कि आप पढ़ना लिखना सीख जाओगे तो कोई धोखा नहीं दे पाएगा. अनपढ़ को पता नहीं चलता कि बस में कंडक्टर ने कितने पैसे लौटाए, ये बस कहां जा रही है, किसी ना किसी से पूछना पड़ता है. मैंने कहा आप 15 दिन आकर देखिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा. पिछले साल 8 सितंबर के दिन एक मीटिंग मिली थी हमारे स्कूल में. वहीं पे हमारे जिला कलेक्टर साहब ने, संजय गुप्ता साहब ने उनके हाथों मुझे मेडल दिया था. और उन लोगों ने बोला था कि 3 वो अनपढ़ को पढ़ाने के प्रेजेंट में तुमको दिया जाता है. 100 की बॉक्स आई थी एक, और उन्होंने अपने हाथों से तो 3 को दिया, और बाद में बोल दिया सब लोगों को कि हेडमास्टर से अपने ऑफिस में आके ले लेना. घोगा में तरह तरह के लोग रहते हैं. हिंदू मुस्लिम लोगों के आपसी रिश्ते के बारे में गफार भाई कहते हैं. पहला आज 6 दिसंबर अदालत तो ना पहला मैंने आज का तो लाएगो. 6 दिसंबर को दंगे की बात से मुझे धक्का तो लगा था. मेरे केंद्र में कुल 26 शिक्षार्थी थे, जिनमें से 5 पुरुष थे, 4 हिंदू और 5वें मेरे पिताजी मुसलमान. मारा बापू ये कोई पण धर्म में भेदभाव नहीं राखो, मानवता मानव धर्म. मेरे पिता धर्म के भेदभाव को नहीं मानते, एक ही धर्म मानवता. मेरी माँ भी उसी केंद्र में पढ़ती थी, हम सब एक परिवार की तरह ही पढ़ते थे. गफार भाई के घर की दूसरी ओर रहती है 18 साल की फिरोजा, वो भी स्वयं सेवी अनुदेशिका है. फिरोजा ने महिलाओं के साथ मिलकर साक्षरता के गीत रचे. उसने अपने पड़ोस की 15 महिलाओं को साक्षर किया है. वो साक्षरता के कार्य में कैसे जुड़ी और महिलाओं को किस तरह आकर्षित किया? मैं पहले पढ़ती थी ने, उस साहब ने कहा कि अभी एक साक्षरता का प्रोडक्शन निकला है तो तुम इसमें मेहनत करके तुम औरतों जो औरत है उसको तुम पढ़ाओगी. तो मैंने कहा कि क्या इसमें कोई लाभ होगा या तनख्वाह मिलेगी या कुछ फायदे के लिए क्या है. तो उसने बताया कि कोई फायदा तो है लेकिन तनख्वाह के बारे में कुछ भी नहीं है, कि जो तो सिर्फ आशीर्वाद के सिर्फ मदद के लिए है, तो तुम मदद कर सकती हो तो तुम जाना है. तो मैंने बोला कि हाँ वो सब मैं सोचूंगी और बाद में बताऊंगी. फिर मैंने देखा कि ये सब ठीक है, अच्छा है.
तो मैंने सब औरतों को कहा कि तुम सब पढ़ अभण हो तो तुमको पढ़ना हो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगी। फिरोजा की एक नव साक्षर विद्यार्थिनी है शारदा बेन। शारदा बेन भी जयश्री बेन की तरह पानी भरने का काम करती है। मैं पहला काम करता था तो त्यां हमने काई खबर पड़ती नहीं कि हमारे केवी रीते हिसाब करो। हमें मालूम नहीं था कि हिसाब कैसे करना। पैसे कम दिए जाते थे, अब हिसाब कर लेते हैं और पूरे पैसे लेते हैं। पहले साहब लोग हमें पेन पकड़ाकर दस्तखत करने को कहते थे तो हमें कहना पड़ता था कि हम नहीं कर सकते। तब वे हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें क्यों नहीं आता है। फिर हमसे अंगूठा लगवाकर कम पैसे देते थे और हमें तो पता भी नहीं चलता था। खबर पड़ती न थी तो ये बदा हमारी मस्करी करता। अब तो सब कुछ समझ लेती हूँ। तो बीजी सही करी ने हमारा पैसा टका हमने ओछा दे एम हमें अंगूठो आपी तो पैसा ओछा आपे એટલે એવી રીતે અમને બધા બનાવતા અને કઈ ખબર પડતી નહીં અમને। તમારા लगन केम पहला वेला तुम्हारी शादी क्यों जल्दी कर देते थे। पहला माँ बाप ने कई खबर न पड़ती एटले जल्दी। पहले माँ बाप को कुछ पता नहीं चलता था इसलिए जल्दी शादी कर देते थे। लड़की जवान हो गई तो कर डाली। हवे के मोड़ा लगन कर हवे हमने खबर पड़ी से के हमें हवे हम था गया था थी जंजाल में छोकरी ने क्या नाखी देवी हजू मोटी थई था। अब हम समझ गए हैं कि अभी से लड़की को झंझट में क्यों डालना। जब हमने पढ़ाई शुरू की तो सुध आ गई कि लड़की कुछ बड़ी हो जाए तब शादी करनी चाहिए। छोटी उम्र में उनकी शादी कर डालें तो उन्हें कितनी परेशानी सहनी पड़ती है, इसलिए अब उसे बड़ी होने देते हैं। हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव लागे नहीं। अपना गाम में तो कोई वो छे नहीं। તેવી જ રીતના આપણે હિન્દુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓને સંપીને રહેવું જોઈએ। હા આપણે બધા એક જ હતા આપણે ભેદભાવ હમ સબ એક હી હૈ હમારે બીચ ભેદભાવ નહીં હૈ। કઈ કઈ જગ્યાએ તકલીફ પડતી તમને। અમે ભાવનગર જાતા તો ત્યાં બધું ખરીદવા જાતા તો ત્યાં બધા અમે હિસાબ કરતા આવે હમ ભાવનગર જાતે થે કુછ ખરીદતે થે તો હમે હિસાબ કરના હી નહીં આતા થા और वो लोग जो कुछ भी लिख डाले हमें देना पड़ता था। अनपढ़ बेचारा क्या कर सकता है, ज्यादा पैसे देकर चले आते थे। पढ़ने से ये फायदा हुआ कि अब हम हिसाब कर सकते हैं। 27 अगस्त के दिन भावनगर में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सभी सहभागी एकत्रित हुए। इनमें संपूर्ण साक्षरता तथा अनुसाक्षरता अभियान के सारे लोग जुड़े थे। पूरे जिले के सातों तालुकों से लोग आए थे। इनमें से एक थे चरवाहे साजन भाई। मैंने बच्चों के नाम से खाता खोलकर सभी के लिए 500,000 रुपए जमा किए। ये 5 साल के बाद दुगने हो जाते हैं। अपने परिवार में सभी को बताना चाहिए कि इस तरह बचत करोगे तो माल मवेशी इंसान सभी को फायदा होगा। पढ़ोगे तो कुछ आगे बढ़ोगे, लेकिन हम कहते हैं कि चरवाहे क्या पढ़ेंगे। भरवाड़ को पढ़ना नहीं आएगा, पर हमें स्कूल में जाने के लिए कहा गया। किताब हाथ में दी तो कहा नहीं मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ने से फायदा होगा। मैंने खुद जाकर बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया, साइकिल पर लेकर गया। ऐसे ही एक और नव साक्षर हैं जयसुख भाई सावर कुंडला से। तेरे मजदूरी पटेल लेवनी मजदूरी कर दो तेरे 15 रुपया दाड़े आपदा। मैं केवल मजदूरी करता, 15 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। लेकिन साक्षरता अभियान में जुड़ने के लिए जब लक्ष्मण भाई अमीर भाई ने आग्रह किया तो मैं हमेशा रात को 2 घंटे पढ़ने के लिए जाता था। ओसा 2 वर्ष हूँ पढ़े त्यारे मैंने लगता वास्ता कम से कम 2 साल पढ़ा तब मुझे लिखना पढ़ना आ पाया। पहले सावर कुंडला जाना हो तो बोर्ड तो नहीं पढ़ पाते थे, जाना हो सावर कुंडला और पहुंच जाते थे जूना साहब। लेकिन साक्षर होने के बाद धीरे धीरे बोर्ड पढ़ने लगा और सावर कुंडला पहुंचा। वहां दुकानों के बोर्ड पढ़ पाया और हिसाब भी समझ में आया। भावनगर जिले के भूतपूर्व कलेक्टर संजय गुप्ता ने कहा आ जिला काम थे તેમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે।
એ લોકોનો જ મહેનતનો પરિણામ છે કે આજે जिन लोगों ने इस जिले में साक्षरता स्थापित करने के लिए रात दिन काम किया है, उन लोगों और साक्षरता समिति के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज हमें यूनेस्को की ओर से यहाँ के अच्छे काम के लिए एक साइटेशन दिया गया है, हमें चुना गया है। शुरुआत ही आपने एक बात ऊपर खूब ध्यान के आ कार्यक्रम कोई सरकारी शुरू से ही एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि इस कार्यक्रम को किसी सरकारी कार्यक्रम की तरह नहीं चलाना है। अन्य कार्यक्रमों में ऐसा होता है कि ऊपर से एक कार्यक्रम आता है, कुछ लक्ष्यांक होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हम ये इन केन प्रकार उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों का अपना कार्यक्रम, जिन लोगों को इससे लाभ होता है, जो निरक्षरता के अंधकार में फंसे हुए निरक्षर भाई बहन है, उनके साथ सहकार से, उनके परिवेश में रहते हुए उनके प्रतिनिधि, उनके जीवन में जो परिबल काम करते हैं, उन सबको नजर में रखते हुए लोकाभिमुख अभियान शुरू किया गया है। एक लोकाभिमुख अभियान रखियो भलो झूले लाल।